नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों का। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि 2024 गगनयान की तैयारियों का साल रहेगा। इसके साथ ही हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे, जिसमें पैराशूट सिस्टम की जांच की जाएगी। इसी तरह के कई ड्रॉप टेस्ट भी किए जाएंगे। इनके अलावा कई वैल्यूएशन परीक्षण भी किए जाएंगे। साथ ही हम इस साल GSLV को भी लॉन्च करेंगे। इसरो चीफ ने कहा कि साल 2024 में हमने कम से कम 12 मिशन लॉन्च करने हैं, इसका हमने लक्ष्य रखा है। वहीं हार्डवेयर की उपलब्धता के आधार पर यह संख्या बढ़ भी सकती है। केरल पुलिस ने SFI राज्य अध्यक्ष के अनुश्री समेत 8 लोगों के खिलाफ पयंबलम बीच के पास रविवार की शाम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विशाल पुतले पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि SFI नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147 और 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नए साल के मौके पर बीच पर राज्यपाल के 30 फीट के पुतले पर आग लगाने के आरोप में कन्नूर पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज किया है। राज्यपाल के पुतले को अनुश्री ने जलाया था, उनके साथ अन्य सदस्य और उस दौरान नारेबाजी भी कर रहे थे। विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सीटों के बंटवारे को लेकर आ रही है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलावेंस गठबंधन में शामिल हर दल बढ़ा चढ़ाकर सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA की सरकार को हराने के लिए विपक्ष की मनसा पर सवाल उठने लगे हैं। सीटों के बंटवारे पर विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि जल्दी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा गांव में निर्मित है। यह सूर्य मंदिर विलक्षण स्थापत्य और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर में नए साल की पहली सुबह अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि नए साल के सूर्योदय के साथ ही इस राज्य के लोगों ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों ने सूर्य को नमस्कार किया और ये उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराई। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों को बधाई भी दी है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही माह का समय बच गया है और सभी राजनीतिक पार्टियां आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि इस बीच ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन में एक खास लेख लिखा गया है, जिससे विपक्षी पार्टियों को निराशा हो सकती है। दरअसल लेख में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश में 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए बकायदा देश में अलग अलग धार्मिक संगठनों की संयुक्त संस्थाओं की ओर से 14 जनवरी से ही हर घर को रोशन करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। धार्मिक संगठनों की संयुक्त संस्था अखिल भारतीय सनातन महासभा ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और तवांग से लेकर कच्छ तक के मंदिरों और घरों में दीपावली मनाने की योजनाएं बना ली है। संगठन के संरक्षक के मुताबिक 22 तारीख की शाम को तो श्री राम ज्योति जलेगी ही जलेगी, लेकिन उससे पहले हर घर में कम से कम एक दीपक जलाने के लिए उनकी संस्था ने काम शुरू कर दिया है। नए साल के मौके पर सभी मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया और नववर्ष को खास बनाने के लिए विशेष आरती भी की गई। शिरडी के साईं बाबा मंदिर से लेकर केरल के सबरीमाला तक दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। केरल के सबरीमाला मंदिर में नए साल की पूर्व संध्या में दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। मंदिर के खुलते ही भक्तों ने यहाँ प्रार्थना शुरू कर दी। नए साल का आगाज
आगाज हो चुका है, लेकिन नए साल के आगाज के साथ ही कोरोना भी चला रहा है। दरअसल बीते हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते देश में कोरोना के मामले 22 फीसदी का छलांग आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 7 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। भारत में पिछले हफ्ते 24 से 30 दिसंबर की बात करें तो कोरोना में 4652 मामले सामने आए थे। इससे पिछले हफ्ते यहां आंकड़ा अगर बात की जाए तो 3818 था। आंकड़ों से पता चल रहा है कि कोरोना के नए वेरियंट JN.1 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सोमवार को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बुरी ताकतों का विरोध करने को भी कहा। गौरतलब है कि साल 1998 में आज ही के दिन यानी 1 जनवरी को ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का गठन किया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री अनवरन सिंह ने राज्य के सुरक्षा बलों पर हो रहे हमले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दिल्ली जाकर वहां केंद्रीय नेताओं को यहां की स्थिति से अवगत कराएंगे। वीरेंद्र सिंह का यह बयान तब आया जब शनिवार को चैक्रोपाल जिले के मोरेह में हमले के दौरान 5 पुलिस कमांडर घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए हवाई मार्ग से इम्फाल पहुंचाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा, मौजूदा समय में राज्य सुरक्षा बलों पर हो रहे ये हमले एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इलाज के लिए हवाई मार्ग से इम्फाल पहुंचाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा, मौजूदा समय में राज्य सुरक्षा बलों पर हो रहे ये हमले एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।